Good morning guys. Okay guys, so कल आपने ब्लॉग देखा रात के 2 बजे तक का, उधर से अभी कंटिन्यू है. सो वेलकम अगेन ऑन माई चैनल एंड इट्स अ बर्थडे ब्लॉग. एंड बर्थडे किसका? हस्बैंड का. सो अभी सुबह के 10 बज रहा है, बट हम लोग अभी सो के उठे हैं बिकॉज जस्ट अभी सो के उठे जस्ट 10 मिनट्स पहले. तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय. हस्बैंड सो रहे हैं, भैया सो रहे हैं, बिकॉज वी ऑलमोस्ट 2 बजे तक जागे हैं केक कटिंग के बाद फिर. और हम सोए हैं वही 2-2.5 बजे तक सोए हैं. तो आंटी भी है, संडे के दिन लेट ही आती है, आई मीन 10 बजे तक आती हैं आंटी. आ रही होंगी 10:30-11 बजे तक आएंगी वो. सो व्हाट इज द प्लानिंग फॉर टुडे? इट्स द प्लानिंग के चाय में मैं पत्ती डाल देती हूँ पहले. ओके, रात में हमने बहुत केक खाया और मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ एक्चुअली. कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, मीठा हो लाइक केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई, यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है मेरे से. एक चाहे कुछ भी घर पे आए, मान लो फास्ट फूड वगैरह आए, उसमें मैं कंट्रोल कर लूँ पिज्जा बर्गर में, पर मीठे पे कंट्रोल नहीं होता मेरे से. मीठा यार सभी को पसंद होता है एंड रोज रोज तो कोई खाता नहीं है. सो जस्ट स्टॉप एक्सप्लेनेशन. तो मैं क्या कह रही थी, हाँ आज प्लानिंग है शाम को जाने की, कहाँ जाने की स्पेशली मैं बताऊंगी बाद में. और अभी दिन की प्लानिंग बता देती हूँ, दिन में क्या बनने वाला है. दिन में मैंने छोले भिगोए दिए हैं, तो रात में मैंने छोले भिगो दिए थे. तो आज बनेगा छोले पूरी होता है वैसे तो, बट मैं रोटी बनाने वाली हूँ. ऑब्वियसली रात में हमें बाहर ही डिनर करना है तो पूरी इतना हैवी नहीं करना है. तो छोला चावल एंड 2-2 रोटी बस. तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में. आए हाय, आए हाय. ये है बर्थडे बॉय का चेहरा. मेरा हाथ भी नहीं आ रहा है. मैंने लगानी है. ना चोटी बांधूंगी. अच्छा यहाँ चोटी बांधूंगी तो जीगो की तरह लग रहा है सच्चे में. मुझे आप में सबसे ज्यादा आपके बाल अच्छे लगते हैं, पता. बालों की क्वालिटी अच्छी लगती है, सिर्फ क्वालिटी अच्छी लगती है. अगर घुंघराले होते ना तो और अच्छे लगते हैं. बट आपके आज आपको बर्थडे है इसीलिए आप करने दे रहे हो क्या? आप आज रोक नहीं रहे हो मुझे. चाय ले आओ, रुके बस करो ना, क्या करो. अरे मैं बोल दिया था आप रोकने लगे. अच्छा लग रहे हो, करो तो 2 मिनट. ओए इस इंसान ने को मेरी टांग पकड़ रखी है. लगा कि चाय पी गई. कर दो एक बार. चाय पी लो, चाय ठंडी हो गई. प्रियंका बोलो ना. क्यों बोलो? बोलो ना. इसको देखो, इसको टोपी लगा के चाय पीनी है.
करो। ओके गाइस, तो ये जिगर का बन रहा है ब्रेकफास्ट और ये उपमा है। और जिगर ऐसा ही उपमा खाता है विदाउट एनी वेजिटेबल, मतलब प्याज तो डाल सकते हैं, उसके अलावा अगर मैं कुछ और सोचूँ ना कि इसमें सब्जियाँ डाल दूँ छोटा छोटा काट के, तो फिर नहीं खाता है वो, तो मैं उसके लिए प्लेन ही बनाती हूँ और थोड़ा सा गीला खाता है वो, उस हिसाब से बना रही हूँ। छोले और चावल ऑलरेडी मैंने चढ़ा दिए हैं, आंटी रोटी बना कर गई थी, और अब मैं बनाने जा रही हूँ जिगर के लिए ये चार पांच भिंडी और एक प्याज मैंने छील लिए, बिकॉज़ जिगर छोला नहीं खाता है, अभी तो नहीं खाता है क्योंकि छोटा है, अब देखते हैं बड़े में खाता है कि नहीं खाता है। छोला और राजमा नहीं खाता है बिल्कुल, क्या करें, तो मैंने कहा उसके लिए अलग से मैं बना देती हूँ भिंडी। और तो मैंने भिंडी काट ली है, एक लहसुन काट लिया, अब मैं तड़का लगाती हूँ। और मैं एक बार शावर लेने जा रही हूँ, और ये थोड़ा सा स्किन केयर किया है क्योंकि मेकअप करना है, मैं हमेशा स्किन केयर छोटा सा कर लेती हूँ बिफोर डूइंग मेकअप। तो मैं ड्रेस बताती हूँ, मैं ड्रेस आज ब्लैक ड्रेस पहन रही हूँ, मैं ब्लैक ब्लैक लग रही हूँ आपको है ना। सो मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ, मैंने एक भी बार नहीं पहना है इसको। सो ये ब्लैक ड्रेस है, ब्लैक शॉर्ट ड्रेस है, और इसके ऊपर मैं स्नीकर्स पहन लूंगी, ब्लैक कलर के मेरे पास है। तो चलो जब तैयार होंगी तब दिखाती हूँ आपको। ओके गाइस, सो मैं ड्रेस पहन ली है और अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं चप्पल पहनूँ या शूज पहनूँ। एक्चुअली पहले मानो मैं अभी 7 बज रहा है, मैं 3 ड्रेसेस बदल चुकी हूँ। पहले मैंने शॉर्ट नी लेंथ और ड्रेस पहनी थी शॉर्ट, बट वो थोड़ी सी ज़्यादा चमचम लग रही थी, मुझे लगा कि बर्थडे है तो बर्थडे पे थोड़ा सा डिसेंट जाए। वो वाली ड्रेस मैं सोची हूँ कि न्यू ईयर पे पहनूंगी, तो ओकेजनली मैंने फिर वो ड्रेस चेंज कर दी। वो पूरी ब्लैक कलर की थी और इधर नी तक थी, और बहुत बिंदास लग रही थी, एक नंबर लग रही थी, बट मैंने कहा कि अभी बर्थडे के हिसाब से ही पहन लेते हैं। मैंने ये इनको भी बहुत अच्छी लगी वो ड्रेस मेरे ऊपर, मैंने कहा कि मैं न्यू ईयर पे पहन लूंगी नए साल पे, है ना। तो चलिए अब मैं रेडी हो जाती हूँ। सो आपने देखा मेरी ये फुल ड्रेस, इसमें पॉकेट भी है क्योंकि हम जब जहां जा रहे हैं तो थोड़ा डांस वांस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं चप्पल पहनूं या शूज पहनूं, आई थिंक चप्पल ही पहन लेती हूँ।
है ना, देखिए यस चप्पल इज मैचिंग और शूज इज मैचिंग, आई डोंट नो, मल्टी कलर शूज हैं ये। और बस हल्का फुल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह लगा लूं, लिपस्टिक लगा लूं और रेडी। नो आई थिंक चप्पल इज लुकिंग गुड। ये स्नीकर्स टाइप के मेरे ये शूज हैं बट हाँ क्यों अंदर क्यों लाने का भैया से। ओके तो ये जिगर भी आ गया, पहले इसको तैयार कर देती हूँ फिर मैं तैयार कर होती हूँ। तो इसका ब्लैक पैंट है और मैरून शर्ट है, मैं हम दोनों मैचिंग हो जाएंगे। ऐसे क्यों खड़े हो बेटा, इधर जिगर ले दिया गया, इधर आओ जिगर, इधर आओ। ओके जी वो कह रहा है पापा को ये वाली शर्ट पहने। जिगर हैंडसम बॉय लग रहा है। पापा 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 जिगू जिगर ए ओए मना कर रहा है कि क्या में नहीं आना है। ओए जिगुड़ा इधर आओ, नहीं आना है कैमरे में, नहीं आना है, नहीं आना है। हाँ हाँ टी शर्ट नहीं है शर्ट है। ओए वो जिगु 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 जी तोड़ दो तुम। हाँ पॉलिथिन बहुत ज्यादा बटन है। अरे उतने ही तो होंगे। ओके गाइस देखो सबको तैयार करने के चक्कर में मेरा मेकअप ही नहीं हो रहा है, मैं से वैसे ही खड़ी हूँ। लो लो ओए होए आज तो सब रॉक स्टार लग रहे हैं, बड़े वाले भैया छोटे वाले भैया ये वाले भैया ये। गर्मी लग रही यार एसी तो भी काम नहीं कर, मेरे को पता नहीं क्यों गर्मी लग रही। ओ प्लीज वो बिखेरे नहीं है अब फिर आपने हैप्पी बर्थडे इधर रुको ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, है ना जी। Happy birthday to you. जिगा आए हाय इधर आओ ना, नहीं नहीं let it be, कुछ कह जी को कुछ कह रहा है, रुको रुको फोटो खींच दे आप जी इधर। ओके गाइस तो मैं रेडी हो गई हूँ आप देख सकते हो, ये मेरी ड्रेस है। मैंने नेल पॉलिश हमेशा की तरह मेरी नेल पॉलिश रह जाती है, आई डोंट नो व्हाई, मैं नेल पॉलिश के मामले में बहुत केयरलेस हूँ बहुत ज्यादा। ओके गाइस सो चलिए चलते हैं हम वेन्यू पे जहाँ पे जा रहे हैं। सो मैंने ड्रेस के हिसाब से मेकअप किया आप देख सकते हो, और ये लिप शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सुगर का लिप शेड है और मैचिंग हो रहा है ड्रेस से। तो बताना आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, और
ये मेरा, मुझे ये तेल बहुत पसंद है अपने चेहरे पे, लेकिन ये दब जाता है क्रीम लगाने से। तो चले चलते हैं। ओके, मैंने मिडिल पार्टीशन किया है, ओपन हेयर रखे हैं और ड्रेस आपने देख ही लिया। चलिए, सो मैंने एक मैचिंग का हैंड पर्स ले लिया है, छोटा सा रिक्वायर्ड है, मेरे ड्रेस से मैच हो रहा है। और ये कहाँ से खरीदा था मैंने, कहीं से खरीदा था, बाद में बताऊंगी। मैंने बाल आपके अच्छे बनाए थे, सूख गए बाल, इसलिए सॉरी। ये कपड़े धोने वाले हैं जो इधर रखे हैं कूलर पे। इन्हें हम लोग वैसे मशीन के अंदर डाल देते हैं, बट अभी मशीन चलाई थी ना तो उसमें ऑलरेडी कपड़े थे, तो बाहर डालने से क्या होता है ना, गंदे और हो जाते हैं मिट्टी में, तो इसीलिए इधर ही रख दिए मैंने। सो हस्बैंड को देख लिया, जिगू को देख लिया, अभी बड़े भैया रह गए हैं, सॉरी उमेश भैया रह गए हैं, बड़े भैया तो बम्बई में है। कहीं जाओ ना तो घर बहुत मैस होता है, ये बात है क्या? सही बात है, आप बहुत करते हो। ठीक है, हटो, मैं निकलती हूँ। सो मैं चप्पल साइड में कर रही हूँ जो इतनी फैला के रखी है उन्होंने। राम, डेढ़ घंटे की रास्ता है जहाँ पे हम जा रहे हैं। एक अच्छी हैपनिंग म्यूजिक वाली प्लेस ढूंढी है उन्होंने, बिकॉज वी डोंट वांट कि डिनर करके वापस आ जाओ। खाने खाते तो हमेशा ही है, एक होता है ना एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए तो खाने में भी अच्छा लगता है, और स्पेशली रेस्टोरेंट जाके खा पी के आ जाओ वो मजा नहीं आती मेरे को। सो फाइनली अहमदाबाद में कोई ऐसी जगह ढूंढी है, आई होप कि वो अच्छी निकले। बोल तो ना, अभी तो रात है ना, कहाँ डस्ट बस भैया पहुंच गए रास को। ओके, हम लोग आ गए हैं। ये कौन सा एरिया है भैया? एरिया चलते क्या चलते है शायद चलते नहीं तेज। ओके, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं और ये एरिया है थलतेज। हाँ,
यार फोटो नहीं खींची तब से। बेल्ट भी लगा दी। चलेगा घर नहीं आएगा, चलेगा चलेगा। जीगू को भी बैंड लगा क्या? नहीं खींची अच्छी, थोड़ी दूर तो वीडियो चल रहा। चलो चलो
सो हम लोग सबवे में आए हैं और कुछ खाने पीने, वहाँ भी खाया पिया बट स्टिल वहाँ पे डांस वांस बहुत ज़्यादा था, अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आया। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? ले लो ले लो जी, को चाहिए दिला दो। सो जस्ट लिटिल हैविंग जस्ट साइड में ही, जस्ट कॉर्नर में ही सबवे बनाया, तो यहाँ पे खाने हैं। मैंने तो खा लिया वहाँ पे, मन ही नहीं है। हाँ, उमेश भैया ने नहीं खाया, मेरे हस्बैंड और मैंने नहीं खाया। सो इट वॉज अ नाइस, अच्छा था, बहुत अच्छा था। और जब हम लोग लौट रहे थे तो ज़्यादा भीड़ पड़ गई थी। जब हम लोग आए थे आई थिंक 8 बजे आए थे तो बहुत शांत था, लेकिन 9 जैसी बजा फुल हो गया, डांस करने की भी जगह नहीं थी वहाँ पे। चिप्स है क्या जिगू के लिए वहाँ पे? यहाँ पे फोटो बहुत अच्छी निकलेगी। फोटो बहुत क्लियर आ रही है यहाँ पे। कुच्ची मंचकिन, कुच्चू कुच्चू, नानी बिटिया। आज नानी बिटिया ने बहुत एंजॉय किया है, बहुत ज्यादा। एक्चुअली ये ऐसी जगह पे बहुत एंजॉय करता है, बहुत ज्यादा। हेलो, है ना उसमें? मैं वीडियो नहीं बना रही, फोटो खींच रही हूँ। जान तो उसको खाने दो, नहीं खाएगा। मैं नहीं खाऊंगी, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। जिगू क्या लेने गया? नहीं, रोड पर पियक्कड़ बन के घूम रहा है ये देखो। इतनी इतना नशा चढ़ गया है। आप लोग भी बदौलत है, ले लेते हो तो पीते नहीं हो। मेरी क्या बदौलत, मैं क्या पीती हूँ? हद है यार। ले लिया तो। चलो जिगो, क्या हो गया? जी को दरवाजा खोल रहा है। ओके गाइस, तो मैं घर आ गई हूँ और अभी बज रहा है 11:30 और तो मैं अपने बाल ठीक कर रही, हवा में खराब हो गए। ओके, तो आज के ब्लॉग को मैं इधर ही फिनिश करती हूँ, और ब्लॉग अच्छा लगा हो और बर्थडे भी इनका तो लाइक तो बनता ही है, अच्छा लगा हो ब्लॉग या ना लगा हो, लेकिन बर्थडे बॉय को तो लाइक बनता है। तो चलिए मिलती हूँ कल फिर से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अब मैं भी चेंज करने जा रही हूँ और मेकअप वगैरह निकालने जा रही हूँ और रिलैक्स होके फिर लेटती हूँ। बहुत मजा आया आज, बहुत बहुत। क्या बोल रहे हो?